जिन गाँव के हवा तकले मोला नफरत है वह गाँव में मोलापन पैर धरे ना पड़ी सिर्फ भेटू राके आदमी प्यार मना चार पांच दिन तक भूखा रहते भाई तो दूसरा दिन ही झड़का था शर्म भी नहीं आती। स्वागत है आपका DC24 न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्ट्रेस मीरा शर्मा जी और सेल वर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों का बचपन कहाँ बीता और इस फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचने तक का सफर कैसा रहा। मैं पूजा शर्मा राजनांदगांव से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो राजनांदगांव से कंप्लीट की है, देन कॉलेज भिलाई से और फिर पढ़ाई करते करते ब्यूटी पेजेंट देन एल्बम्स और मूवी फर्स्ट मूवी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मोर नाम है शील वर्मा और स्कूलिंग मोर हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 हायर स्कूल और CSIT दुर्ग में यहाँ बी ई करे हूँ मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच में 2014-17 बैच के पास आउट हूँ। ओकर बाद सपना रहीस मैम हमेशा से कि कला के क्षेत्र में कुछ करना है और अभिनेता बने के मोर में पैशन रही से तब मैं 4-5 साल पहले मुंबई गया। वहाँ जाए के बाद मैं ससुराल सिमर कर 2 कभी कभी तफाक से प्यार तूने क्या किया जैसे धारावाहिक में मैं काम करे हूँ और ओकर बाद एक अंदर के जो कीते ना दिल के दिया जली से कि अपन छत्तीसगढ़ पर कुछ तो करना है तो एक स्टोरी की मैं तलाश करते रहे और वो कर बाद बस फिल्म करे। तो गांव के लड़का मन ला फौज में भर्ती होना रिस ना और वही तैयारी मैं कराऊं था। हाथ बस चल। सर छत्तीसगढ़ में आपकी पहली फिल्म है क्या। यस मैम, मैं यहाँ गाना करे हूँ इकली पहली मन नाचे लेकिन फिल्म मेरी पहली। जी, हाल ही में आप दोनों की फिल्म आने वाली है 13 जनवरी को ले चलू अपन द्वारी, उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं कि ऐसा क्या खास है ताकि लोग आपकी फिल्म को देखना पसंद करेंगे। जी पहली बात तो जैसा कि हमारा मूवी का टाइटल है नवा साल नया दौर, तो जो नया दौर से मतलब है वो जनरेशन होता है। एक्चुअली हमारे हर 5-10 साल में जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है। हम अपने छोटे भाई बहन से भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, पेरेंट्स बहुत दूर की बात है। तो नया दौर इसलिए बोला गया क्योंकि हम सेम इस न्यू जनरेशन के बच्चे हैं और हम सब ने मिलकर सेम जनरेशन के लोगों ने मिलकर एक न्यू मूवी लाई है, इसीलिए नया दौर चालू हुआ है हमारी जनरेशन से, हमारे थॉट से। और मूवी इसलिए आपको देखनी चाहिए बिकॉज इसमें छोटे छोटे जो हमें बहुत ज़्यादा जिसको क्लेश बोला जाता है कि ना डेली लाइफ में हमारे आसपास इतनी अननेसेसरी चीज़ें होती है जो हमको इतनी परेशान करती है, ये भी उसमें दिखाया गया है। 2 गांव की बुरी बात सोच को भी दिखाया गया है, फिर कैसे क्यों बोला जाता है ना कि चेंजेस इज नेसेसरी, तो वैसे ही दिखाया गया है कि कैसे बुरी बात सोच टाइम के साथ उसका बदलना कितना ज़रूरी है, तो समय के साथ बदलाव यही ज़रूरी है, यही फिल्म में दिखाया गया है। मैंने छत्तीसगढ़ी अब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ही स्टार्टिंग में ही छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से ही हुई है और अभी तक मैं छत्तीसगढ़ से ही मुझे प्यार और इतनी जो यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी एल्बम। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, सबको धन्यवाद देती हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चल रहा है। और ब्यूटी पेजेंट्स के बाद से मैंने एल्बम्स करना स्टार्ट किया था। मोहिनी से पहले मेरा जो मोहिनी मिलने का रीज़न था वो एक डोरी सॉन्ग था जो मोनिका मैम और तोशान जी का ही था, तो डोरी के बाद मोहिनी मिला और मोहिनी से मूवी मिल गई। मोहिनी ने तो पूरे इंडिया में वायरल हुआ ही है, वो सबको पता है। बस सर आप बताएं अपनी मूवी के बारे में। मैम फिल्म के बारे में तो पूजा जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, मैं बस यही बताना चाहूँगा कि फिल्म आप देखेंगे तो पहले तो आपको ये पैसा वसूल लगेगा, लाइक इसमें ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है और हो सकता है आपको रोना भी पड़ जाए, पर एक बहुत प्यारा सा और सिंपल सा
लव एंगल आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी वल्गर नहीं है। एक प्रॉपर जो सिनेमा कहते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड से, मैं कहूँगा पूरे इंडिया से लुप्त हो गई है, वो हमने वापस लाने की कोशिश की है और शूटिंग में तो सफल हो गए, बाकी आपके हाथ में है। और जब आप देखने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आएंगे, आपका मनोरंजन होगा और आप बस चले जाएंगे। नहीं, आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ये मैं पूरा फील करता हूँ पूरे दिल से। और आई होप आप देखने जरूर आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में चुनौतियाँ कम है, क्योंकि आपने मुंबई में भी काम किया है, उस हिसाब से आपने जब अभी शूटिंग की होगी तो आपको क्या लगा, चुनौतियाँ यहाँ कम है या फिर उससे ज़्यादा है? मैम, चुनौतियाँ हर जगह होती है, अब आपके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आपको चुनौतियाँ लेनी है या नहीं लेनी है। अब मैं छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ, जैसे कि हमन ये फिल्म करत रहे, अब हमन चाहते हैं तो अलवा जलवा इसने बना देते हैं कि भैया चलो ठीक है, पसंद आ जाए ही नहीं आता बोल ठीक है, पिक्चर करना है, हीरो बनना है, सेल्फी खिंचाना, नहीं ये हमारे ये नहीं रही से। हमन पर चुनौतियाँ ज़्यादा एक स्थिति आ रही से कि हमन ला ये रही से कि नहीं यार, ये फिल्म बस एक फिल्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसे एक माइलस्टोन होना चाहिए, एक ऐसे पहाड़ होना चाहिए कि एक जो होते ना चेक पॉइंट, एक पत्थर के लकीर खींच देते कि नहीं देखो अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा बदला थे, अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ऊपर जा थे, ता ये मन में लेकर हमन चले हन, ये बात ला सबके मन में रही से, चाहे वो स्पोर्ट से लेकर हो या एक्टर हो, सबके मन में बात रही से, ता एक जितनी चुनौतियाँ आए हैं और बहुत प्यार से सामना करे हैं, मजा आ गए। पूजा जी, आपकी ये पहली फिल्म रही है, तो शूटिंग के दौरान किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप एक लड़की हैं तो उस हिसाब से बताएं। इस शायद प्रोजेक्ट की ब्यूटी ही यही थी कि पूरा काम जो था और मूवी फर्स्ट डे से वर्कशॉप से स्टार्टिंग टू एंड इतनी फ्लुएंटली, मतलब इतनी इजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मतलब लास्ट डे यू कांट बिलीव कि मैं रो रही थी, मुझे एकदम फैमिली वाली फीलिंग आने लगी थी हर एक पर्सन से, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, चाहे वो कुक हो, हमारा दादा हो सेट पे, बहुत बहुत प्यार मिला, एक फैमिली बन गई थी लिटरली, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कुछ भी ऐसा। सर, आने वाले टाइम में आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है, प्रॉपर छत्तीसगढ़, नॉट MP, नॉट कि ये बिहार का एरिया है, ऐसे कोई नहीं जाना। जब छत्तीसगढ़ बोली तो सब मन के लिए वो छत्तीसगढ़। और मोर पैशन है अभिनेता बनना, एक स्थिति मोर ये माध्यम है कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में अपन अभिनय से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक स्थिति ये फिल्म कर रहा हूँ। और मोर ख्याल से अगर इसने सोच के साथ और इसने तेज़ी और एनर्जी के साथ पिक्चर बना जाए, अच्छा क्वालिटी पिक्चर बना जाए, तो आने वाला समय में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की भी पूरा भारत में नाम हुई, जैसे आज साउथ की इंडस्ट्री या पूरा नेशनल लेवल पे बॉलीवुड ला पीछे छोड़ दें, तो मुला ये पूरा आशा है और पूरा भरोसा है कि आगे जाके आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो आपको ऐसा क्या कमी लगी जो आप भविष्य में दूर करना चाहेंगे? कमी तो ऐसे नहीं है, सी अपन बड़ाई ककरो बुराई या ककरों के बड़ाई अपन बुराई करना ठीक नहीं है, एमा बस मैं यही चाहता कि क्वालिटी कंटेंट आउ बना जाए। और ऐसे कमी मैडम, मतलब कि अगर हमन क्वालिटी कंटेंट बनाबो तब जनता मन देखे बर आई, तो ये पूरा साइकिल है, ऐसे सिर्फ एक से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़े, एमा सबके सपोर्ट रही थे। और एक तरीके से व्यापार है, व्यापार बहुत बड़ा क्षेत्र के व्यापार है, बहुत कठिन व्यापार है, तो ये व्यापार ला अगर बढ़ाना है तो सब मन ला आगे आए पड़ी, जो मुला वही कमी लगते कहीं ना कहीं कि सब मन उतका इंटरेस्ट नहीं ले हुए, अरे वो है, पर हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति बहुत बड़े है जेकर हमें सदुपयोग करना चाहिए, और आने वाला समय में जितका ज़्यादा सदुपयोग करबो उतका ज़्यादा इंडस्ट्री आगे बढ़ी और सब मन ला फायदा हुई। छत्तीसगढ़ के जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इंडस्ट्री मतलब जो भी करना है दिल से करो, और एक आर्टिस्ट ला कला से पूरा प्यार होना चाहिए, इमा नाम शरत बस आहू तो थोकन देर बर आहू और चल रहा, ये कोई भी इंडस्ट्री की सच्चाई है, काबर कला आप मन ला परख थे और कड़ी परीक्षा लेते एकदम अग्नि परीक्षा, तो परीक्षा पर तैयार होना है पहली, तहाँ ले इमा कदम रखना है, और बस दिखे और ओकर से नहीं हुए, आप मन ला पूरा ऑलराउंडर बनना रहते, बहुत मेहनती होना रहते, बिल्कुल आलस के काम नहीं है, तो जब दिल से आग ला ली ना तभी इमा कला के क्षेत्र में कदम रखा, और एक बार रख लाना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी लास्ट हमारे चैनल के माध्यम से लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं? बिल्कुल आइए, सबसे पहले तो कोई भी फील्ड हो,
लड़कियों के लिए स्पेशल ऐसा होता है कि जब वो कभी बाहर निकलने या कुछ बड़ा करने के बारे में सोचती है तो कई बार वो अपनी फैमिली की वजह से या अपनी सोसाइटी की वजह से, बाकी अभी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं बट स्टिल अभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत 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 नेसेसरी है। जब पेरेंट्स पीछे खड़े हो जाते हैं ना अपने बच्चों के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं और उनके फीमेल हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें। बाकी लड़ाई तो वो लड़ ही लेगी। और सोसाइटी से भी यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये मूवी की तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत। मतलब जो हमारे प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने हर वक्त, मतलब पूजा को एक किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको, वो लड़की है मतलब वो हर जगह कंफर्ट रहे, हर इवन मेरे को एक्टर ने भी मुझे हर जगह स्पेस और कंफर्ट देने की बहुत बहुत कंफर्ट दिया, तभी ये मूवी मैं अच्छे से कर पाई। और बाकी सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप करिए, अच्छे से काम करिए, आगे बढ़िए, बाकी आपकी सोसाइटी भी हेल्प करेगी और बाकी सब दुनिया में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। मेरा आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, ये कदम छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री तक ही रहेगा या बॉलीवुड में जाके समाप्त होने वाला है? बॉलीवुड में तो काम चला था, इसे कोई दिक्कत नहीं तो है। अपकमिंग कोई फिल्म आने वाली है ऐसा कुछ? फिल्म तो नहीं मैम, टीवी शो के बाद चला थे। पहली तो ये फिल्म में पूरा फोकस है और ये फिल्म भर में 2-3 टन मोर ख्याल से मैं सीरियल स्किप कर रहा हूँ कि नहीं यार, अब जे काम हाथ में है और ये बस काम नहीं है, ये एक मिशन है, तो मिशन में पूरा जान झोंक दे है, केवल फिल्म बनाना नहीं, फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन में भी पूरा टाइम, पूरा हर गांव में जा के, और सिर्फ हमन बस फिल्म के बाद नहीं करन, जो हमार विचार है तेला व्यक्त करथन। तो अभी तो यही मोर गोल है, ये फिल्म ले अभी एक डेढ़ महीना तो यही चली, ओकर बाद आने वाला समय में टीवी के आने वाला है बॉलीवुड में। मैम देखिए, वैसे आर्टिस्ट की कोई लैंग्वेज, कोई स्टेट या कोई कंट्री नहीं होती, आर्टिस्ट कहीं पे भी जाके किसी भी लैंग्वेज या किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकता है, आर्टिस्ट फ्री है ना कहीं पे भी काम करने के लिए। सेकेंड चीज़ कि हम जब तक बाहर जाएंगे नहीं, जस्ट लाइक हम छत्तीसगढ़ के लिए करना चाहते हैं, तभी ये पूरी टीम जो मुंबई गई थी वो वापस आ के छत्तीसगढ़ में इन्होंने काम किया, ये कभी मुंबई जाती ही नहीं और वहाँ से कुछ नया सीख के ही नहीं आती, तो यहाँ कुछ नया अप्लाई ही नहीं कर पाती। तो इम्पॉर्टेंट है हम नए नए लोगों से मिले, उनकी नई नई चीज़ें अडॉप्ट करें और उसको अपने छत्तीसगढ़ में भी ला के अप्लाई करें। मैम आपको छत्तीसगढ़ी कम आती है ऐसा मुझे मैंने सुना है, तो आपने अभी जो फिल्म किया है वो पूरी छत्तीसगढ़ी है, तो उस मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ी नहीं आती, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नहीं आने के बावजूद हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं अगर मेहनत करें? देखिए बात यह है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती तो सेकेंड फर्स्ट तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, एक्सेप्ट करिए और ऐसा एक्सेप्ट करके अरे चलना नहीं आता ख़त्म किया ऐसा नहीं, आपको जो चीज़ नहीं आती एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन करिए और उस चीज़ को सीखने में आप कितना जोर डालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस मूवी में से मेरे साथ हुआ, मुझे CG नहीं आती, लेकिन मैं CG नहीं आती बोल के यहीं गिव अप कर चुकी होती तो ऐसा नहीं होता। मेरे डायरेक्टर सर को मैंने पहले ही बता चुका था मुझे CG लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती, फ्लुएंट नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सरेंडर कर चुकी हूँ कि आप जितना हार्डवर्क मुझसे करवा सकते हैं इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और सर ने मुझ पर मेहनत की और मैंने भी साथ में मतलब मैं क्लास लेती थी, रोज पढ़ती थी, रीड करती थी, मेरा 1-2 घंटा मैं CG लैंग्वेज को देती थी रोज। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, आपके लिए उसके बहुत धन्यवाद। तो हाल ही में इनकी फिल्म 13 जनवरी को आने वाली है ले चलूँ अपन द्वारी, तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए ताकि ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहें, तो आगे बढ़ते रहे। जी और छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं अदिति जायसवाल रायपुर। जिन गाँव के हवा तकले मोला नफरत है वह गाँव में मोलापन बाहर धरे न पड़ी सिर्फ भेटू राके आदमी प्यार मना 4-5 दिन तक भूखा रहता है भाई, तो दूसरा दिन ही झड़का था।